मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए 1,77,255 करोड़ का बजट 2022 पेश कर दिया है। सीएम ने इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ये बजट अंत्योदय को पूरी तरह से समर्पित है। साथ ही उन्होंने यूपी समेत चुनावी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। मैं कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि मेरी शुरुआत ही आखिरी व्यक्ति से अब हो रही है। यही सार, यही मैसेज कहीं ना कहीं कल बजट में मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री देते नजर आए। मेरे साथ खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल इस समय मौजूद हैं। सर, बजट पेश कर दिया गया, ये अंत्योदय को समर्पित आपने बजट दिया है, किस तरह से देखते हैं? बतौर मुख्यमंत्री, बतौर वित्त मंत्री नहीं पूछूंगा, लेकिन प्रदेश के वासी होने के नाते आपने बजट तैयार किया है स्टेक होल्डर से, आपको ये बजट कैसा? देखिए, कुल मिलाकर के मैं तो स्वयं एक सामान्य परिवार से संबंध रखता हूँ और उन गरीबों की, उन जो समाज की अंतिम यानी कतार में खड़े हैं लोग, उनकी पीड़ा मुझे अच्छी तरह मालूम है। सरकार में आने से पहले भी मैंने बहुत सी योजनाओं पर काम करने के लिए इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के विचार अपने संगठन को भी देता रहा। मैं जो सरकार होती थी वहाँ भी देता रहा। सरकार के आने के बाद मैंने अनुभव किया कि जब तक हम नीचे से शुरू नहीं करेंगे तब तक समाज की, सुखी समाज की कल्पना ये नहीं की जा सकती। तो हमने अब जो है अंत्योदय का जो एक कंसेप्ट लेकर के समाज के अंतिम व्यक्ति से ये शुरू किया है। हमने डाटा इकट्ठा किया परिवार पहचान पत्र के माध्यम से और जो अंत में लाइन में खड़े हैं उनके लिए योजना बनाना, ये मेरी प्राथमिकता है। हरियाणा के बच्चे अब नासा जाकर जो है वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको टैबलेट दिए जाएंगे, शिक्षा का बजट 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर दिया। देखिए, व्यक्ति यानी नागरिक का एक निर्माण करने के नाते, अच्छे नागरिक का निर्माण तभी होता है जब उसका जो बचपन में ही उसको संभाल लिया जाए। शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है व्यक्ति के यानी नागरिक के निर्माण का, तो हमने शिक्षा के ऊपर पूरा जोर दिया है और हम आईटी, ये यानी आज के जमाने में आईटी का बहुत महत्वपूर्ण एक मैं समझता हूँ कि एक योगदान है। इसलिए बच्चों को भी हम कंप्यूटर शिक्षा, हम उसको टेबलेट देंगे, हम उनको पाठ्यक्रम जो भी हैं हमारे वो भी पढ़ने के लिए उसको मिलेंगे और एक विज्ञान की ओर विद्यार्थी आगे बढ़े, इसके लिए मैंने नए नए सारे प्रयोग किए हैं। स्कूलों का लेवल अच्छा किया है और मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से विद्यार्थी जीवन का मजबूत होगा, आगे एक अच्छे नागरिक होगा। सवाल का जवाब मुझे पता है, लेकिन 2014 में बतौर मुख्यमंत्री आप जब बजट पेश कर वित्त मंत्री के साथ जब घर पहुंचे तो इसी लॉन पर आप सोए थे। आप ट्रेन में फाइलें चेक करते हैं, अस्पताल में कोविड से भी दाखिल होते तब भी फाइलें चेक करते हैं। इस बार के बजट के बाद, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का बहुत ज्यादा आपने समर्थन लिया, उनके सुझाव लिए, किस तरह से रिलैक्स हुए घर पर हुए या नहीं? अरे नहीं, कल तो हमने भैया बजट पेश करते ही मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्राकृतिक खेती के सेमिनार को लेकर के कुरुक्षेत्र में पहले से तय था। मैं सीधा ही बजट के बाद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सीधा मैं कुरुक्षेत्र गया और वहाँ जाने के बाद 2.5 घंटे का वो कार्यक्रम अटेंड किया, तुरंत वापस आया और मैंने सामान्यतः वित्त मंत्री जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन उनको एक रात्रि को भोजन की व्यवस्था करनी होती है, तो रात को 2.5 घंटे भोजन पर लगे। बाद में आप जैसे मीडिया के मित्र 1 घंटा उनके साथ में व्यतीत किया, तो 11 बजे तक मेरी व्यस्तता लगातार बनी रही। अब ये इसमें से मुझे ऐसा नहीं है कि कोई मेरी मजबूरी थी, लेकिन मेरे मन में एक शौक है कि मैं लगातार व्यस्त रहूं, कभी भी रिलैक्स करने का कभी मेरा मन ऐसा होता नहीं है। आपने विपक्ष को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। मेरे किरदार में शौक से आइए, नुक्स निकालिए, अगर आप मेरे किरदार में नहीं होंगे तो मुझे निखारेगा कौन, तराशेगा कौन, तराशेगा कौन? हाँ, तो अब विपक्ष ये कह रहा है कि बजट जो है वो नीरस है। सर, क्या कहेंगे आप? वो तो मैंने बजट सत्र में, बजट शुरू होने से पहले यानी एक दिन जब भी मैंने कहा कि मीडिया के मित्र पूछते हैं क्यों आलोचना की जाती है, मैंने ये भी कहा मेरा बजट पेश होने से पहले मैं बता सकता हूँ कि आलोचना क्या करेंगे। रटे रटाए शब्द होते हैं, रटे रटाई बात होती है, बजट नीरस है, बजट में कुछ है नहीं, बजट तो केवल एक आंकड़ेबाजी का खेल है, ये सब बातें विपक्ष हमेशा यही नहीं सब जगह कहते हैं। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल लूंगा सर आपसे। एडहॉक कमेटीज बनाई गई है बजट को स्टडी करने के लिए पार्लियामेंट की तर्ज पर, जो सुझाव आएंगे उनको वित्त मंत्री के तौर पर किस तरह से कंसिडर करने के लिए? देखिए, वो कमेटियां बनाई हैं हमने, 8 कमेटियां जो बनी हैं उनके, उनको ये बजट के सेक्टर वाइज उनको दे दिया जाएगा सारा विषय, और अगर कहीं अच्छे सुझाव उनकी ओर से आएंगे निश्चित रूप से उनको समाहित किया जाएगा और 4 दिन की बैठकों के बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जो जो अच्छी बातें आएंगी वो अगले 3 दिन में हम लोग डिस्कशन करके उनको समाहित करेंगे। आज बजट पे ही चर्चा है, लेकिन आप कल बहुत व्यस्त रहेंगे क्योंकि कल 10 तारीख है, उत्तर प्रदेश पंजाब के नतीजे आने वाले हैं। सर, जो एग्जिट पोल है उसमें बम्पर बहुमत जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया गया है,
क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए वो क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हमारे से ज्यादा जानते हैं, सब लोग फील्ड में घूमते हैं, नीचे जनता से भी बात करते हैं, एग्जिट पोल के नाते वोटर से भी बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ अभी जैसा परिणाम दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश मणिपुर दो तो हमारी क्लियर कट सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं। जहां तक गोवा उत्तराखंड का विषय है वहां मार्जिन थोड़ा कम रहेगा लेकिन सरकारें बनेंगी। हाँ पंजाब जो है वो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तो आता नहीं है, अब देखते हैं गेन करेंगे लगता है क्योंकि पीछे गठबंधन में आप लड़ते थे तो 30 सीटों लेकिन लगता है कि क्या गेन करेंगे? गेन तो इतना ही है कि हमको इस बार बहुत बड़े प्रदेश के हिस्से में लगभग 70 सीटों पर 65 सीटों पर लड़ने का ये मौका मिला है, इतनी सीटें हमने कभी नहीं लड़ी। आप हरियाणा को भी देखें जब हम अकेले लड़े हैं तब हमने 90 की 90 सीटें लड़ते लड़ते और लगभग मैं समझता हूँ कि 10-14 साल के बाद हमने अपनी सरकार बनाई है। पहली बार सरकार बनाना कोई अपेक्षित भी नहीं होता लेकिन सारे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब एकजुट होकर के लड़ते हैं तो आगे आने वाले चुनाव में उसका लगातार लाभ होता है। आपने बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश के मुखिया बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट रखा है, विपक्ष को भी अभिन्न अंग बताते हुए ये कहा है कि आप नुक्स निकालिए, आप रहेंगे मेरे किरदार में तो ही मैं तराश पाऊंगा, अपने आप को निखार पाऊंगा आपको। ऐसे में अब एडहॉक कमेटीज अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी, बजट को लेकर जो सुझाव आएंगे उन्हें भी कंसीडर करने की बात जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो कही गई है।